हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईवे क्लासेस पर। मेरा नाम है अतुल सिंह और आज मैं आपके साथ मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा, वो भी यूपी टेट में जो आपके 2019 में आ रहा है, तो वो चीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, तो काफ़ी पिछली बार जो यूपी टेट की मैंने क्लासेस ली थी मैथ्स की ली थी, और आपके इन्वायरमेंट के सर थे उन्होंने भी ली थी। कुछ क्लासेस आपको हिंदी की प्रोवाइड हुई थी। इस बार कोशिश करेंगे, अब जब स्टार्ट ही हो रहा है तो मैं मैथ्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ मैं करंट्स के कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ, मैं डेली करंट भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। मैं अपनी इंस्टीट्यूट में पिछले 6 महीने से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद डिटेल से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन्वायरमेंट के लिए साथ आपके साथ जो विजयन सर थे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। हिंदी के लिए एक टीचर हैं, वो भी आपसे मिलेंगे, तो जो हो सकेगा वो हम आपके साथ करेंगे हेल्प, जो भी आपकी हो सकेगी, क्योंकि आपने पिछली बार हमें बहुत प्यार दिया था और इसी बदौलत मैं आपके साथ फिर से आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा यहाँ पर रेस्ट लिया था YouTube से, थोड़ा मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आपका प्यार और आपके कमेंट्स और मैसेज, जितने भी व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे कमेंट आए हैं, सर यूपी टेट की क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है, काफ़ी, यानी कि पिछली बार तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, काफ़ी लोग बच्चों को अपनी मैथ समझ में आई जैसा कि आप लोग जानते हैं, और काफ़ी मैसेज आया उस तरीके से, फिर मैं मजबूर ही हो गया यूँ समझ लीजिए। तो अब हमें आपके साथ जब क्लास स्टार्ट हो रहे हैं, अच्छा काफ़ी बच्चों के था कि सर यहाँ पर पेन एंड कॉपी पर डिस्कस कर लीजिए सिलेबस को, तो मैंने सोचा ठीक है यार क्यों ना। अच्छा इसमें क्या होता है कि आप अच्छे से देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, आपको केवल पढ़ने से मतलब होना चाहिए। आइए तो डिस्कस करते हैं। अच्छा ध्यान दें, देखो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ तो इसका मतलब आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है। अगर आपको क्लासेस, जिसकी भी क्लासेस अच्छी लगा करें तो आप उसको शेयर जरूर किया करें, लाइक जरूर किया करें, ओके। वैसे भी मैं नहीं कहता हूँ, जिसको जो अच्छा लगता है वो अपना कर सकता है, ओके। चलिए देखते हैं कि मैथ्स हमको डिस्कस करनी है, आखिर उसमें सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, क्या पूछा जाना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किस रास्ते पर हम लोग चलने जा रहे हैं, ठीक है, ये मैथ्स का रास्ता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लेंगे कि किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, कैसी सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं, ओके। कोई हमें ज़्यादा बताने की बात है ही नहीं, क्योंकि आप सभी लोग पुराने स्टूडेंट हैं, कुछ नए भी स्टूडेंट आए होंगे तो वो भी चीज़ों को समझ लें, ओके। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके मैथ्स में क्वेश्चन कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स ले जाएगा आपको, यानी कि मैथ्स में आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, आपने 30 क्वेश्चन किए तब। काफ़ी अच्छा स्कोर रहता है यहाँ पर, जैसे मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, जीएस जो लोग पढ़ रहे हैं उनका भी स्कोर हो जाता है, लेकिन जो लोग मैथ नहीं पढ़ रहे हैं उनका मैथ में छूट जाता है, क्योंकि यार मैथ में ना अगर आपने डट के मेहनत कर दी ना तो ये हो सकता है कि आप 30 में 30 ले आएँ, ये हो सकता है। पिछली बार सुपर टेट का क्लास लिया था, मेरे ही कुछ स्टूडेंट से काफ़ी कमेंट्स आया, सर हमारे 20 में 20 क्वेश्चन सही हुए हैं, किसी के 18, किसी के 19, बाद बाकी तो सब कोई तो है बचा, कोई तो बता नहीं पाता क्योंकि मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो बच्चे जिन लोगों को जो कांटेक्ट मिल पाता है तो वो अपना बताते हैं कि सर हमारा इतना आया था, तो वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो ये देखो यार, ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें क्या है, संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, पूरी मैथ जो है टिकी किस पे है, इसी पर टिकी है। काफ़ी बच्चों का हम कॉन्सेप्ट तो आपको समझा सकते हैं, लेकिन यार ये गुणा भाग ना, ये बहुत समस्या हो जाती है, गुणा भाग में ही आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ये वाला वैल्यू कटेगा कैसे, कितने से काटें और किधर से किधर से, बराबर लगा हो तो फिर ऊपर नीचे का काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, बराबर लगा हो तो फिर नीचे और ऊपर का काटें कि ना काटें, ये सारी समस्या आती है, तो वो मैं विधिवत आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि संख्याओं को कैसे जल्दी से जोड़ना है, और जो संख्याएं आपको दी गई उनको कैसे जोड़ना है, घटाना कैसे है, गुणा कैसे करना है, ये भी मैं बताऊंगा कि जल्दी से जल्दी कैसे गुणा हो जाएगी, इससे आपको हेल्प मिलेगी।
भाग कैसे करना है सभी लोगों को आता है, जिन लोगों को आता है कोई दिक्कत ही नहीं है, जिन लोगों को नहीं आता हम बता दें ये वाली प्रक्रिया कम से कम 80% स्टूडेंट को नहीं आती है कि कौन सी वैल्यू कितने से कटेगी, ये चीज है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अभी हम लोग के पास टाइम है, जिस टाइम हम लोग इस तरीके से सिलेबस डिस्कस करेंगे कि सिलेबस भी हो जाए आपका, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो पहले तो हम ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे जो भी आपके दे रखे हैं। तो फिर आता है आपका एलसीएम एंड एससीएफ, लघुतम समावर्त और महत्तम समावर्तक। तो देखो इसमें क्या है, मैं इसको बहुत ही थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिर आपको ऐसी ऐसी ट्रिकें बताऊंगा, ऐसे ऐसे तरीका बताऊंगा जो बड़े बड़े सवाल जो है ना वो 3-4 सेकंड में, बस 3-4 सेकंड, बहुत ज़्यादा कोई सवाल है जो वो 10 सेकंड ले जाएगा। ओके, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। भिन्नों का जोड़ घटाना अथवा गुणा भाग, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब पर एक फ्रैक्शन का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको तो फिर से देख डालिए, ठीक है। वो मैंने पेड लेक्चर किया था, लेकिन फिर हमने सोचा क्या करेंगे पेड करके, फिर वो मैंने उसको फ्री कर दिया था, उसको इस तरीके से बनाया गया है। आप सर्च करना यूपी टेट फ्रैक्शन बाय अतुल सर, ठीक है, यूपी टेट फ्रैक्शन बाय अतुल सर, तो आप इसको भिन्न का जो है ना चैप्टर ये देख सकते हैं। हाँ, मैं बता दूं कि जितने मेरे पहले वाले लेक्चर है ना यूपी टेट के, तो आप सर्च करिए यूपी टेट बाय अतुल सर, ठीक है, यूपी टेट मैथ्स बाय अतुल सर्च कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। तो जो लेक्चर आए ना वो 70 से 72 लेक्चर हैं, तो उनको आप जरूर देखिएगा, ठीक है, साथ ही साथ इसको भी देखते रहिए, तो आपका जो प्रिपरेशन है ना वो थोड़ा जल्दी जल्दी से हो जाएगा। जिनको मैथ नहीं आती है फिर उनको भी आने लगेगी। अच्छा, ये दशमलव में क्या है, जोड़ना घटाना गुणा भाग। अच्छा, बिल्कुल सही कहा, दशमलव में ये भी पूछते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे कैसे एलसीएम लेना है, ये सारी बातें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। फिर आता है एकिक नियम। एकिक नियम क्या होता है ये चीज हम लोग बता देंगे। जैसे आपको कह रहे हैं कि 20 आदमी एक कार को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में, ऐसे आता है कि 8 लड़कियां 8 दिन में 8 डलियां बुन सकती हैं, तो 4 लड़कियां 4 दिन में कितनी डलियां, ऐसे भी कुछ सवाल हैं, या इतने की वैल्यू इतनी है तो फिर इतने की क्या होगी, ये एक एक नियम क्या आएगा, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना ये मैं आपके साथ बताऊंगा। अच्छा, यहाँ तक जितने भी टॉपिक थे ये थे एक बेसिक टॉपिक, ये सभी स्टूडेंट को आने चाहिए, ठीक है, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है आता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ से कहानी शुरू होती है मैथ्स की। तो देखो यहाँ परसेंटेज है, इसको कैसे डिस्कस करना वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे बहुत ईजिली से, लाभ हानि का वो बताऊंगा, ठीक है, साधारण ब्याज ये आपके आएगा साधारण ब्याज, ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया गया है, ध्यान रहे। ज्यामिति में क्या है, ज्यामिति आकृतियां व ठोस ज्यामिति आकृतियां, ये भी आता है क्वेश्चन कि ये जो है क्या इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, इसको क्या कहेंगे ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यामिति आकृति में पूछते हैं, ठीक है। तो कोण के बारे में पूछते हैं, हम लोग कोण निकालना डिस्कस करेंगे, त्रिभुज के बारे में, वृत्त के बारे में, ये इनकी हम लोग जानकारी लेंगे। अच्छा, धन, धन में रुपया पैसा, जैसे 420 रुपये में कितने पैसे, या ऐसे करके जो भी सवाल दिया जाएगा वो रुपये पैसे का नाप तौल होगा, वो चीज़ आप जानते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा दशमलव कितने पर क्या लगाना है, ये चीज़। मापन में हो गया समय, तौल, धारिता, लंबाई और ताप, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ये साइंस का है, यहाँ पर भी डिस्कस हो जाएगा। लंबाई में कौन सा कितना मीटर है, सेंटीमीटर है, और किलोमीटर कितने सेंटीमीटर, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। धारिता में 1 लीटर में कितना ग्राम, ये सारी चीज़ें, तौल, किलोग्राम, ये सारी लंबाई, और समय के यूनिट को, यानी कि समय के घंटा, मिनट और सेकंड, इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। परिमिति देखिए, परिमिति मतलब होता है परिमाप ही होता है, तो त्रिभुज की परिमिति, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, इसके हम लोग परिमिति भी सीख लेंगे, साथ ही साथ यहाँ से बता देंगे क्षेत्रफल भी कैसे निकलेगा, हो सकता है क्वेश्चन, जबकि इन्होंने क्षेत्रफल का यहाँ पर कोई बात नहीं की है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, कैलेंडर, तो जो कैलेंडर है, कैलेंडर में क्या है कि कैलेंडर का मैंने आपको एक वीडियो दिया था यूपी टेट के लिए, आपके 2018 में एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने एक ऐसी ट्रिक बताई थी जिसके सारे कॉन्सेप्ट एक ही ट्रिक से ख़त्म हो जाते हैं, कैलेंडर के जितना भी क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं देखते हैं तो मैं आपका जो सिलेबस आएगा लाइन से, एक सीरियल से आएगा, तो फिर मैं उसको डिस्कस कर लूँगा एक अच्छे तरीके से, फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो वो कैलेंडर का आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आंकड़े, आंकड़े में कैसे क्वेश्चन आना है,
अच्छा, कैलेंडर में भी क्वेश्चन जैसे आते हैं वो आप जानते हैं। आंकड़े में कैसे क्वेश्चन आना है कि आंकड़े में कुछ डाटा आपको दिया जाएगा, कुछ डाटा दिया गया जाएगा, उसके बारे में एक दो बातें कही जाएंगी या डायग्राम बना होगा, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, उससे जो क्वेश्चन निकल रहे होंगे वो क्वेश्चन आपको बताने होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। देखो आयतन यहाँ पर दिया गया है, आयतन किसका किसका निकालना है, आयतन धारिता मतलब एक ही याद, घन घनाभ का आयतन निकालना है, यानी कि घन घनाभ का हमको पढ़ना है। और घन घनाभ के लिए मैंने बेस्ट लेक्चर आपको दे दिया है। अच्छा, इनमें से जो भी लेक्चर आपको देखना है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, घन घनाभ के लिए क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बाई अतुल सर। ठीक है, तो आप जैसे ही डालेंगे तो जो यूपी टेट का लेक्चर है ना वो आप देखना, उसको देखने से आपके घन घनाभ के क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से लगने लगेंगे। नहीं तो जो हमारा जो ये कोर्स आ रहा है, एक सीरियल से पढ़ते रहना बेटा, एक सीरियल से। मैं जितना भी पढ़ाऊँ उसको एक नियम से फॉलो करना, डेली लेक्चर देखना है। और डेली लेक्चर देखने के बाद में मैंने तुम्हें कुछ भी काम दिया है, आपको जो भी काम दिया है, वो जो भी बताया है उस लेक्चर में, पर डे के लेक्चर में कुछ ना कुछ बताऊँगा, वो आपको फॉलो करना है। ऐसे अगर आप करते रहे तो यकीन मानिए, अगर आपके 30 क्वेश्चन आने हैं तो यकीन मानिए आप 25 प्लस करेंगे। एक जो पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है वो भी बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखेंगे उसको रिजल्ट आपका अच्छा ही रहेगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखो, अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, किसका किसका क्षेत्रफल निकालना है, आयत का और वर्ग का। यहाँ पर आपको परिमाप निकालना था, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट है रेलवे से, रेलवे बस समय सारणी। ठीक है, इसमें भी कुछ डाटा दिया रहता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको डिस्कस कर लूँगा। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर भी कुछ डाटा दिए गए होते हैं, उन डाटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, डायग्राम्स बने होते हैं, ये भी डिस्कस कर लूँगा। पिछली बार मैं ये डिस्कस नहीं कर पाया था, जो मेन मेन टॉपिक थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। पिछली बार मैंने आपके साथ ये डिस्कस नहीं किया था अध्यापन संबंधी मुद्दे, लेकिन इस बार जरूर कवर कर लूंगा अगर आप बने रहे हमारे साथ। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपको डिटेल में मिलती रहे तो आप क्या करेंगे, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, नहीं तो न्यू स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अपने चैनल हाईवे क्लासेस को, सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब पर, जिससे अच्छा वेल आइकन जरूर दबाना और ऑल नोटिफिकेशन पर दबाना, ऑल नोटिफिकेशन, इससे लेक्चर आएगा तो मिलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ये अध्यापन संबंधी मुद्दों में क्या है, कह रहे हैं कि गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति बालक के चिंतन एवं तर्क पैटर्नों तथा अर्थ निकालने का अधिगम की कार्य नीतियों का समझाना। देखो अब इसमें क्या होता है, जैसे एक स्कूल है, आप वहाँ के टीचर हैं, ठीक, आप वहाँ के टीचर हैं, किसी बच्चे ने कुछ गलत काम किया है या कुछ होमवर्क नहीं किया है या वो पढ़ने में अच्छा नहीं है या वो शैतानी कर रहा है, तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि इस बच्चे को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, इस बच्चे को प्रिंसिपल के हवाले के, इसके बच्चे को गार्जियन को बुलाना चाहिए, या इसको हमें सही से समझाना चाहिए, सही से पढ़ाना चाहिए, ये सारी बातें हैं, या इसको हमें कापी किताबें लेके देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं ना, या इसको क्लास में एंट्री नहीं देनी चाहिए, ये जो मुद्दे हैं, ये क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है ना, ये वाला जो टॉपिक, ये प्रेजेंट ऑफ माइंड से लगता है, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे। देखो पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, ये भी मैं आपको बताऊंगा, गणित की लैंग्वेज यानी गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, एक सामुदायिक गणित यानी कि औपचारिक गणित, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, ये जो भी मुद्दे हैं ना, शिक्षा के क्षेत्र में क्या मुद्दा चल रहा है कि शिक्षा क्या है, ये सारी चीज़ें, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, ये भी डिस्कस कर लेंगे, नैदानिक एवं औपचारिक शिक्षण, ये भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, इस बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस बार ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट में डिस्कस करेंगे जब आपको एग्जाम होने को होगा। तो ये सारा सिलेबस जो है ना, अगर आप हमारे साथ बने रहे तो मैंने फिर बता दूँ तो आप 20 प्लस कर देंगे। और एक मैथ्स ही ऐसा है जिसमें आप अच्छे से पढ़ें तो 2-3 महीने में आप इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मैथ ना इतनी टफ नहीं आती है, जो भी आपने पेपर देखा होगा, अगर आपको 30 में 25 भी मैथ्स में मार्क्स मिल जाते हैं तो और सब्जेक्ट में भी 25-25 मिल जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कितना आना है, 30-30 क्वेश्चन आने, 5 हैं आपके सब्जेक्ट, 5 या 15-150 क्वेश्चन आना है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट है, 5 में अगर आप 25-25 भी सब मिलाते हैं तो कितना हो गया, 125, और 125 लाने के बाद में आपको दुनिया की, आप समझते हैं इसके आगे क्या कहना है,
तो आपका सिलेक्शन तो पक्का ही हो जाएगा, ठीक है। और हम आपके साथ हिंदी के टीचर भी डिस्कस कर लेंगे, पर्यावरण और आपका जो आ रहा है इतिहास, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, जब भी कभी किसी टीचर के साथ हमें मौका मिलेगा तो वो हम आपके साथ प्रोवाइड करा देंगे। केवल यूपी टेट का क्लास होगा, वो वहाँ पर आपको लिख दिया जाएगा कि ये यूपी टेट का क्लास है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान कर लें, जो बच्चे अदर्स चीज़ों का डिस्कस करते हैं, यानी कि हर चीज़ें पढ़ते हैं, NTPC पेपर लगाए सब की, तो उनका भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतना जो है ये यूपी टेट का ये तो आना ही चाहिए तुम्हें। केवल ये अध्यापन संबंधी मुद्दे को छोड़ दो, तो बाद में कि जो भी बचा है ये NTPC रेलवे वगैरह में भी डिस्कस किया जाता है, लेकिन थोड़ा लेवल बढ़ा के, यहाँ पर थोड़ा लेवल कम करके, ये चीज़ है। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और एक बात ध्यान रखें, हम ये क्लास कल से स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो आज से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, लाइक तो आप करते हैं, जो लोग करते हैं उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद, और जो लोग करते हैं नहीं करते हैं, जो नए आए वो ज़रूर करें, क्योंकि लेक्चर आप चाहते हैं जल्दी से स्टार्ट होना, तो आपको शेयर तो यार करना पड़ेगा। तो ये ना, इससे हमें भी लगता है यार हमारा लेक्चर चल रहा है, बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो हमें भी इस पर काम करना चाहिए, ठीक है। जिनको अच्छा लगता है वो ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।